हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, यहाँ पर अभी मैं खा रही हूँ खाना। ये दो पराठे मेरे, आलू गोभी की सब्ज़ी और अचार, और ये छोटू सा पराठा है होरेन का, तो उसको मैं खिला रही हूँ। तो जल्दी से खाना खाते हैं फिर पैकिंग करते हैं, क्योंकि आज हम लोगों को कहीं जाना भी, और कहाँ जाना है वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल पैकिंग करते हैं, खाना खाते हैं। तो गाइस, पैकिंग हो चुकी है हमारी जाने की, और हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो मैं आप लोगों को बताऊँगी कहाँ जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल हुरैन को आ रही है नींद, तो वही कह रही मेरा कान खुजला दो। क्या क्या चाहिए? ओके, ला रही। और ये अपने कपड़े रख रहे हैं, बाकी हमने तो अपने कपड़े रख भी लिए हैं, और ये इनका कुर्ता। तो जी, हम लोग घर से निकल दिए हैं ग्वालियर जाने के लिए, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं लवली बाजी के घर, और साथ ही में भाभी के यहाँ पर प्रोग्राम भी है। तो ये है ईद का दूसरा दिन, सेकेंड डे ऑफ ईद। तो चलिए चलते हैं ग्वालियर। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ रेलवे ट्रैक से होते हुए, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से मतलब थोड़ा नज़दीक पड़ता है, तो इसलिए। और बस अभी थोड़ी ही देर में जो है रेलवे ट्रैक आ जाएगा। हम लोग ही जा रहे हैं, मम्मी, मैं, पापा, जैकी भाई, ये और हो रहा है, बाकी भाई भाभी तो पहले ही पहुँच गए थे। गाइस, रेलवे ट्रैक आ चुका है और यहाँ पर बन रहा है पुल, तो अब हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाएगी। सो ये कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ जा रही हो रहे? अरे, हम जा रहे हैं अपनी खाला के घर। हम अपनी लवली खाला के घर जा रहे हैं हिमा से मिलने। बामर तो पहुंच गए ना शायद अपन नूराबाद है, है ना? गाइस, यहां से भरा लेते हैं पेट्रोल पहले गाड़ी में, उसके बाद निकलेंगे। तो पेट्रोल फिल कराने के बाद निकल दिए हैं फिर से ग्वालियर की रोड पर। और आज मौसम इतना ज़्यादा खूबसूरत हो रहा था ना, बिल्कुल भी धूप नहीं लग रही थी, और मतलब कि इस टाइम पे इतना ज़्यादा धूप रहती है ना कि कहीं जाने का मन ही नहीं करता है, तो इसीलिए आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा। आज का मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया है, मतलब इस टाइम इधर साइड बिल्कुल भी धूप वूप नहीं लग रही है, बहुत अच्छा सा मौसम हो गया है। और बस अभी सफ़र भी अच्छा लग रहा है करते हुए, क्योंकि अगर धूप होती है तो फिर बहुत ही मतलब बेकार सा लगता है। अभी धूप नहीं है, अच्छा सा मौसम हो गया है, और यहाँ पर अभी कोल्ड ड्रिंक वगैरह चल रही है। सफ़र को एंजॉय करते हुए हम लोग जा रहे हैं, हैं मुरैन? क्या किया तुमने? हमारे मोबाइल के ऊपर गिरा दिया। घर तो अच्छे अच्छे बने हैं इधर। और एन गिर जाओगी, बैठ जाओ पापा। अच्छे अच्छे बने जीवन में रहे ये नाग नाग। अच्छा, ये रोड का ये आनंदपुर वाली आनंद नगर सती गई थी वो संगी बने, नाग तो चल गया था, मतलब बताते हैं तो नागिन ट्रक नहीं निकलने दे रही थी, रोड पे बैठ जाती थी वो जाकर। अच्छा, रोड पे बैठ जाती थी वो, निकल नहीं देती थी ट्रकों को। फिर बताया बना दिया था। अब ये सामने की बात है, जब वही अभी कुछ टाइम पहले की बात है शायद, मतलब कुछ साल तो 8-10 साल है लिखा है 2015। हाँ, 2015 तो जी, आप लोगों से बातें करते करते हम पहुंच गए लपड़ी बाजी के यहाँ।
मतलब उनकी कॉलोनी में एंटर हमने कर लिया है और यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं। कॉलोनी बहुत ज़्यादा अच्छी है, यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लवली वाली तारीफ करते हैं यहाँ के लोगों की और कॉलोनी की भी। और जब हम लोग पहुँचे ना तो हम लोग को भी लगा कि हाँ कॉलोनी बहुत अच्छी है। और साथ ही में जो है ना, हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, अभी मैं तो कभी नहीं गई हूँ, तो कुछ टाइम पहले ही उन्होंने जो है नया घर लिया है, तो अभी मैं तो फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ। बाकी ये तो हो भी आए हैं, पापा भी हो आए हैं, तो चलिए पहुँच गए घर। तो खाला अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम खाला। कह रहे खाला बहुत अच्छा घर है तुम्हारा, ईद मुबारक। फैजान है, ऐसे कहता है यूट्यूब वाली लड़की। अब तो आ जाती है सब पे। उनका समझ थोड़ी ना आ रहा है। अब वो देख रही, मेरे पापा ने उसको ले लिया है। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस यहाँ पर अभी लवली वाली ने लगा दिया है नाश्ता, तो नाश्ता कर लेते हैं। लौट के नाना। अच्छा ऊपर वाले बड़े हैं। अरे ठीक है, तो काफी कुछ लगा दिया है लवली वाली ने नाश्ते में। आ गए आप लोग भी नाश्ता करने के लिए। मम्मी पापा चले गए अभी फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि इनकी जो सासू सर हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। बाकी लवली वाजी का ये वाला है, अच्छा है घर, लवली वाजी बहुत बढ़िया लगा मुझे। अभी जाऊंगी ना मैं ऊपर भी, अंकल से मिलने जाऊंगी ना अभी ऊपर। बर्फी बनाइए मैं मुझे। अरे खालो ने बर्फी बनाई, खा लो। तो नाश्ता करने के बाद हम लोग आ गए थे लवली वाजी का घर देखने के लिए। पूरा घर हम लोगों ने देखा। अगर आप लोगों को भी होम टूर चाहिए लवली वाजी का तो मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी पार्क जाने के लिए, क्योंकि इनके घर से बहुत ही पास में एक पार्क है। इन्होंने घर कितने अच्छे बना लिए हैं अंदर से। सामने पहाड़। अरे स्लो स्लो आगे देख के चलो, आगे देखो।
हेलो, घास लग रहा है। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं फ्री टाइम में थोड़ा सा पार्क घूमने के लिए, हिरण को घुमाने के लिए। हिरण ने देख लिया था सामने से ही पार्क, तो उसको ऐसा लग रहा था कि मुझे ना झूले पे झूलना है, लेकिन उधर थोड़ा सा खास अच्छा नहीं था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। चलो उसको घुमा देते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल थोड़ा सा ही टाइम है, सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट घूमेंगे उसके बाद निकलेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये देख लीजिए कौन सा पार्क बोलते हैं इसको, फैजान? बड़ा पार्क। बड़ा पार्क है, नाम नहीं है इस पार्क का कोई? नहीं, जो बड़ा है इसलिए बड़ा पार्क ही नाम है। अच्छा, तो झूले तो उधर साइड लगे हैं। नहीं, गूगल मैप पे भी यही आता है बड़ा पार्क। अच्छा, यही नाम है। अभी धूप चली जाएगी 15-20 मिनट। तो बच्चों को पार्क में जो है इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, जैसे ही हिरण इसमें पार्क में एंटर किया है ना, वैसे ही इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी ना, तो उसको देखकर हम लोग को भी अच्छा लगा। और बस यहाँ पर सबसे पहले स्लाइड पर झूल रही हैं हिरण, तो यहाँ पर ये जो ये लड़की थी ना, बहुत ज़्यादा डर रही थी स्लाइड पर, तो मुझे भी थोड़ा सा डर लगा कि हाँ बहुत ज़्यादा ऊँची बनी हुई है ये ट्रेन, तो बहुत ऊँची है, वो सीधी सीधी है, इधर को छोड़ो। वो तो टूटा है। अभी थोड़ा सा वेट करो, पूरा हिल रहा है वो। अरे दीदी भी झूल लेना, पर झूल लेना। चॉकलेट भी ले ली इसमें।